सबको जय मसी की। मैं जतिन बब्बर, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूँ, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचा है। आपके टेस्ट मनी बनेगी, आमीन बोलने वाला, तैयार हो के नहीं आज? यस। लेकिन सुनो एक गहरी बात, इसी के 16 को हम पढ़ते हैं, पढ़ो पास्टर अशोक। हाँ। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। सुनो, कौन कह रहा है यहाँ पर, जब इस यीशु मसीह ने इसको चंगा किया तो उसी समय एक आदमी शैतान बनकर कह रहा है, यीशु मसीह के सामने आता और बोलता है, कह रहा है, तेरे को पता है संडे के दिन चंगा करते हैं किसी को, संडे के दिन हाथ रखते हैं किसी के ऊपर। उसने कहा अच्छा, कह रहा है कि सुनो, अगर तुम्हारे पशु को भूख लगती है, प्यास लगती है, तुम्हारे बैल और गधे को, तो तुम उसको संडे के दिन पानी नहीं पिलाते हैं? बोलते पिलाते हैं। कह रहा है कि मेरे लोगों को भी, कह रहा है अगर चंगाई की प्यास लगेगी आज, कह रहा है संडे हो या मंडे हो, फ्राइडे हो, वीरवार हो, कह रहा है कि मैं सबको आज प्यास बुझा कर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हाँ, फिर क्या लिखा, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। हाँ, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री अब्राहम की बेटी है, जिस शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, कह रहा है कि यह अब्राहम की बेटी है, तुम कौन हो? तुम जितने मसीह को मानते हैं, जितने लोग परमेश्वर के घर में एक दिन के लिए भी पैर रख लेते हैं, वो परमेश्वर के, कह रहा है कि बेटे के अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो कह रहा है ये अब्राहम की बेटी है, कह रहा है लेकिन शैतान ने, कह रहा है कि इसको कुबड़ा किया हुआ है, कह रहा है कितने टाइम से, कह रहा है कि इसको बंधन में लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि बंधन था इसके ऊपर 18 साल का। हो सकता है आपके ऊपर, कह रहा है आपके घर में आपका पति आपकी सुन ना रहा हो, आपकी पत्नी आपकी सुन नहीं रहा हो, मैं कह रहा हूँ कि आपके परिवार में आपके क्लेश हो रहा हो, घर में क्लेश हो रहा हो, शांति ना हो। हो सकता है, कह रहा है कि आप बीमारी के कारण, कह रहा आप 18 साल से बंधे हो, आप एक मकान खरीदने के लिए 18 साल से बंधे हो, आप किसी भी चीज से बंधे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा ये 18 साल से कुबड़ी बंधी हुई थी बीमारी से। हो सकता है आपके शरीर में, अंग में कोई बंधन ऐसा हो जो अब तक सीधा ना हो रहा हो, आपका शरीर का अंग, हो सकता है लीवर है, किडनी है, बीमारी है, प्रॉब्लम है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, आज मेरे हाथ रखने से बंधन खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना जरूरी है आज, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए? आज कर्म करने के लिए तैयार है? हालेलुया बोलने के लिए तैयार है आज? करा, लेकिन उसने कहा, करा मैं सप्त के दिन, हालेलुया। एक सीक्रेट बता रहा हूं, इस यहां पर क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह जानता था, क्योंकि कर्म क्या है, आज्ञा क्या है, अधीनता क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो संडे के दिन चर्च में नहीं आते उनके काम बंधन में चले जाते हैं, वो कुबड़े हो जाते हैं। इसलिए जो लाइव में सुन रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा इसलिए हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हैं, जगह जगह पर हमने जगह जगह पर ब्रांचें लगाई हुई हैं, इसलिए आप संडे में वहां जाया करो। जो संडे में नहीं जाता उसके ऊपर बंधन होते हैं। हालेलुया। ये औरत जो थी, ये संडे चर्च नहीं जाती, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया इसको, 18 साल इसको घर में रखा, तड़पती रही, लेकिन जिस दिन ये सप्त के दिन आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर से बंधन को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। आज याद रखना, करा कि आपको एक फैसला लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में परमेश्वर कभी संडे का दिन मिस नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, जो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कैसा भी कुबड़ा काम है, मैं कह रहा हूं सीधा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहां पर लिखा, जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आप क्या मांगते हैं मुझे नहीं पता, आपका विश्वास क्या है, आप देखो क्या मांग सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज मांग कर देखो, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम ज्यादा बड़ी चीज मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं, हम कार मांगते हैं, लेकिन थोड़ी देर कार कैसे मांगते हैं पता है, हम पहले हिसाब लगाते हैं कि परमेश्वर मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इतने हैं, मुझे लोन कितना मिल जाएगा, मेरे रिश्तेदारों से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, मेरे को कितने लोग मुझे उधार दे देंगे, फिर बैंक वाले से बात करते हैं, फिर बोलते हैं उसको बैंक वाले तू मुझे कितना लोन देगा, वो कहता है कि मैं तुझे 30% लोन दूंगा, 40% दूंगा,
फिर वो परमेश्वर से सिर्फ इतना मांगते हैं कि परमेश्वर 40% दे दीजिए, मेरा मकान बन जाए, बाकी लोन में किस्तें बना लूंगा। हालेलुया। लोग ऐसे मांगते हैं आजकल, मांगते हैं कि नहीं? लोग आजकल अपनी हैसियत देखकर मांगते हैं, हाँ या ना? परमेश्वर से आप क्या मांगते हैं पता है? आप अपनी चादर देखते हैं, आपके अपने अंदर झांकते नहीं हैं, आप अपने बैंक बैलेंस को देखते हैं, अपनी हैसियत को देखते हैं कि मेरी हैसियत है हेलीकॉप्टर खरीदने की, मेरी हैसियत नहीं है। मेरा बाप ड्राइवर की जॉब करता था जब मैं प्रभु में आया, तब से मैंने देखा मेरी हैसियत नहीं है हेलीकॉप्टर मांगने की, लेकिन उस दिन से परमेश्वर को बोल रहा हूं हेलीकॉप्टर दे, तूने कहा कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मांगता हूं परमेश्वर मुझे देता है। आपको नहीं पता, मैं पूरे 7 दिन में एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में घूम के आता हूं, मेरे पास 2 स्वर्गदूत आते हैं और वो मुझे सपने में हेलीकॉप्टर में घुमा रहे होते हैं, और ये भविष्यवाणी आप एक दिन पूरी होते देखेंगे। आमीन। मेरे पास कुछ नहीं है, इनकम टैक्स ने चापा तक मार लिया। ये हेलीकॉप्टर मांगता है तो इसका मतलब कोई ना कोई राज है। और कोई पीछे बैठता था, उसने कहा उसने 100 करोड़ छुपा रखे हैं भाई साहब। बेवकूफ, कहेंगे 100 करोड़ तो मैं इनसे मांगता। मैं उल्टा ने दे दे कर भेजता, लो 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 लो। नहीं, ये करे आमीन, लेकिन अभी मैं ऐसे दे रहा हूं, लो आमीन। क्या विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? यस। अरे करा, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? करा विश्वास की बात है। हम अपनी हैसियत को देखना छोड़ दें, हम मांगते हैं अपनी हैसियत से, मांगते हैं हम चंगाई मांगते हैं तो पहले अपनी हैसियत नहीं देखते, पादरी की हैसियत देखते हैं। ये ठीक कर देगा मुझे, ये इसका तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, ये इसका तो पेट है ही नहीं। पादरी तो बहुत है जिनके बहुत बड़े, दिखा पेट, दिखा ना, दिखा ना, बहुत बड़े बड़े पेट होते हैं। यहां भाई से जितना फुला लू बाहर ही नहीं आता। लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, जिसके बड़े बड़े बाहर होते हैं वो बस ऐसे होते हैं जैसे आओ बच्चा। हाँ बच्चा, जो ऐसे बात करते हैं ना, हाँ आओ बच्चा, तथा चलो जाओ, होगी तुम्हारी कथा। सुन रहे हो? कुछ नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं 18 साल का क्या 40 साल का कुबड़ा भी सीधा होकर जाएगा आज। आमीन। आपके अंदर विश्वास है, जो कुछ मांगोगे मिलेगा आज। आमीन। तैयार हो के नहीं? हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हैसियत देखना बंद कर। अभी मैं देखता हूं सामने गोरे गोरे लोग, अच्छे अच्छे लोग, इधर काले पीले लोग, ये क्या ड्रामा बना रखा है? इसका मतलब क्या है? आपकी हैसियत है। हम चर्च में आते हैं गंदे कपड़े पहन के आते हैं, और यूपी वाले इतने कंजूस, इनका ट्रंक खोलो इतने कपड़े मिलेंगे सोने, लाल पीले नीले चिट्टे, पहन के नहीं आते ये। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अपनी हैसियत देखना छोड़ो, अपना ट्रंक देखना छोड़ो, अपना बैंक अकाउंट देखना छोड़ो, बाइबल पढ़ो और मुंह से बोलो आज हो जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? यस। यीशु वो है जो कायनात को पलट सकता है। यीशु के नाम का मतलब वो है जो आपके कर्म को पलट सकता है। यस। आपकी किस्मत को बदल सकता है, आपकी हथेलियों की तकदीर को चमका सकता है, उसका नाम है ये। लेकिन आज आपको विश्वास करना है। yes. करा कि आप जो नहीं कहते वो भी होगा आपकी जिंदगियों में। Amen. जो आप नहीं सोचा वो भी सोचना स्टार्ट करो। yes. जो आपने नहीं देखा वो देखना स्टार्ट करो। yes. इमेजिंग करो आज से कि वो है मेरे घर में, वो चीज खड़ी है। yes. हालेलुया। हालेलुया। मैं रोज बोलता हूँ एंजल आओ यार हेलीकॉप्टर में घुमा के लाओ, मेरा बहुत मजाक बन रहा है, 12 साल हो गए अब तक नहीं आया। बोला हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कहा, 2025-2026 आ रहा है जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना आपको, होली स्पिरिट आपके लिए कुछ नया काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में।